हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सैडी पंप के बारे में, जो लेलैंड पंप नेपच्यून इंजन में आता है, उसकी टेस्टिंग के बारे में कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि हमारा एलिमेंट ख़राब है कि नहीं, हमारा जो पंप है वो प्रेशर बना रहा है कि नहीं, सक्शन कर रहा है कि नहीं। तो ये पंप है, इसको हम पूरा प्रेशर के साथ टेस्टिंग करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर मशीन नहीं है तो आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए जो वीडियो में दिखाएंगे, तो उससे आप हर तरह का पंप जो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये पंप हमने मशीन पे लगाए हैं EPS 625 पे। आप कोई भी मशीन पे लगा सकते हो। देखिए ये हमने लगाया है, इसका एलिमेंट चेक करेंगे। ये हमने इसमें रेल में दे रखी है सप्लाई, पूरा प्रेशर दे के देखेंगे 1600 बार कहीं हमारा एलिमेंट ख़राब तो नहीं है। और यहाँ से जो निकलेगी वो हमारी मेन डिलीवरी होएगी। और उसके बाद देखिए, ये हमने टैंकी से सेक्शन गेज लगाई है, इसको मतलब खींचने के लिए पाइप लगाई है, टंकी से खुद खींचेगा ये। टैंक से हमने इसको प्रेशर दिया है, मतलब कनेक्शन दिया है। और ये सेक्शन गेज है जो हमने लगा रखी है कि कितना शक कर रहा है वो चेक करेंगे हम, कि हमारा पंप जो कितना शक कर रहा है, खींच रहा है तेल। और ये हमने इसकी रिटर्न पाइप लगाई है कि हमारी जो रिटर्न है वो कितनी आ रही है वो चेक करेंगे। और ये हमने मीटर यूनिट की वायर लगाई है कि हम इसको मीटर यूनिट को चेक करेंगे कि जो काम कर रहा है कि नहीं। और ये प्रेशर वायर, प्रेशर सेंसर की तार लगाई हुई है, DRV तार लगाई, तो हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे इस सिस्टम के साथ साथ हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए ये सिस्टम है, तो एलिमेंट पे पूरा प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो ख़राब तो नहीं है। क्योंकि ऐसे पंप में जो सिंगल सेंटर टाइप पंप होते हैं, CP 4.1 पंप होते हैं, उसमें दिक्कत आती है कि वो एलिमेंट जल्दी ख़राब हो जाता है, गाड़ी चलते जाते पिकअप तोड़ जाती है। तो वो पूरा चेक करेंगे कि इसमें ऐसी दिक्कत है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने मशीन चलाई है 100 RPM पे, और ये इसका सक्शन प्रेशर आ रहा है -10 के आसपास। तो ये एंटी क्लॉक वाइज हमारी जो है मशीन चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 250 MPa का, सॉरी 25 MPa का, यानी 250 bar का प्रेशर चेक सेट किया है। और ऊपर भी प्रॉपर आज जितना हमने सेट किया, LL की डिलीवरी है ये। और यहाँ पे हम डिलीवरी चेक करते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो कितनी आ रही है और कितनी आनी चाहिए। तो देखिए सिंगल स्ट्रोक पे चेक करेंगे दोस्तों, ये इसकी रिटर्न डिलीवरी आ रही है, ये इसकी रिटर्न डिलीवरी है, और इसकी मेन डिलीवरी है वो चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर मशीन को 100 RPM पर चला रखे हैं एंटी क्लॉक वाइज पे। तो देख सकते हो, अभी सिंगल स्ट्रोक पे चेक करें इसकी डिलीवरी कितनी आ रही है, -10 के आसपास हमारा जो है सक्शन प्रेशर आ रहा है। तो इसको पूरा चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट जो ख़राब है कि नहीं। कैसे चेक करना है तो आप इस सिस्टम से चेक कर सकते हो। अगर आपको ये सिस्टम चाहिए तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इससे आप कोई भी पंप चेक कर सकते हो, बोश, डेल्फी, डेंसो, कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो आइडल की डिलीवरी वो सेट होगी। उसके बाद हम U1 एलिमेंट वन की डिलीवरी चेक करते हैं 600 bar पे। देखिए अगर यहाँ पे हमारा मीटर यूनिट ख़राब रहेगा तो भी यहाँ पे पता लग जाएगा, अगर हमारा प्रेशर सेंसर ख़राब रहेगा तो भी हमारा पता लग जाएगा। तो देखिए 60 MPa हमने यानी 600 bar का प्रेशर सेट किया, तो ऊपर भी 600 bar ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो भी काम कर रहा है, और हमारा मीटर यूनिट है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिलीवरी वो चेक कर लेते हैं कि हमारी जो 600 bar पे डिलीवरी कितनी आ रही है। दोस्तों अगर आप जो है सिंपल तरीके से चेक करते हो तो उस पर आप एलिमेंट नहीं चेक कर सकते कि आपका एलिमेंट काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम रहेगा तो उससे आप सारा चेक कर सकते हो कि आपका एलिमेंट जो काम कर रहा है कि नहीं, पूरा प्रेशर दे के। तो यहाँ पर हमारी रिटर्न डिलीवरी और मेन डिलीवरी आ रही है, तो देख सकते हो दोस्तों आप। तो यहाँ पर हमारी मेन डिलीवरी 50 के आसपास आई है, और हमारी रिटर्न डिलीवरी 170 के आसपास आई है। उसके बाद हम इसकी अगले देखिए, यहाँ पे हमने 120 MPa मेगा पास्कल यानी 1200 bar का प्रेशर सेट किया है VL पे। आप इसको चाहे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 300 RPM रखे मशीन के, यहाँ पे हमने मशीन के जो RPM 300 रखे हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो डिलीवरी वो कितनी आ रही है। तो देखिए 300 RPM पे जो है 1200 का प्रेशर बना रहा है पंप, इसका मतलब हमारा एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो एलिमेंट को प्रेशर देके कि हमारा एलिमेंट जो प्रेशर तो नहीं तोड़ रहा। कोई भी पंप हो, चाहे बोश, डेल्फी, डेंसो, कोई भी पंप आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी डिलीवरी देखिए वही 50-60 के आसपास हमारी मेन डिलीवरी आई है, 170 के पास हमारी जो है रिटर्न आई है। तो आगे देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर हमने देखिए आप 160 MPa यानी 1600 bar का प्रेशर सेट किया हमने यहाँ पर। तो हमारा एलिमेंट और प्रेशर टूट भी नहीं रहा, इसका मतलब हमारा एलिमेंट बिल्कुल ओके। अगर यहाँ पे प्रेशर टूटता तो एकदम से प्रेशर नीचे आ जाता, पर हमने 1600 bar पे रखे हैं, इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, प्रेशर जो कम ज़्यादा नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल ओके है, इसका मतलब हमारा एलिमेंट बिल्कुल ओके। अगर प्रेशर यहाँ से कम होता, इसका मतलब हमारा एलिमेंट है जो वो ख़राब होता, वीक होता।
तो यहाँ पे हम डिलीवरी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो कितनी आ रही है। 1600 बार का हमने प्रेशर दे रखा है एलिमेंट को, तो यहाँ पे हम एलिमेंट की डिलीवरी वो चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप जो है पंप को चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।